हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब विद एनके। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नगर निगम भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट से 2021 की भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए खास बात यह है कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने भी केवल और केवल 10वीं 12वीं पास कर रखा है और आप भी बेरोजगार हैं, आप भी 2021 में नगर निगम के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट से 10वीं 12वीं पास की 2021 की भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, साथ में यहाँ पर आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना होगा, साथ में यहाँ पर आपका इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड, बनेगा हमारे साथ इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बिना कहीं स्किप किए चले जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। लेकिन उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलेगा, ताकि सरकारी वैकेंसी से संबंधित सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 32 वर्ष के बीच होगी तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे। वहीं बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलने वाली है 30,400 रुपये पर मंथ की। सो फ्रेंड्स, काफ़ी वैकेंसी, चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कम्प्लीट डिटेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में, जहां पर राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट से नगर पालिका के डिपार्टमेंट से 2021 की लगभग 663 पदों पर भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए खास बात यह है कि अगर आप लोग केवल और केवल 10वीं 12वीं पास होंगे तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने भी केवल और केवल 10वीं 12वीं पास कर रखा है और आप भी बेरोजगार हैं, आप भी 2021 में एक अच्छी सी पोस्ट पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है कि राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट से, राजकोट नगर पालिका के डिपार्टमेंट से 2021 की लगभग 663 पदों पर भर्तियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग किस राज्य से हैं व किस जिले से हैं, ताकि मैं आपके राज्य व जिले से संबंधित सभी वैकेंसियों की जानकारी आपको सबसे पहले दे पाएं, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, यहां पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्या एज लिमिट रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, साथ में यहां पर आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है, साथ में यहां पर आपका इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। सो फ्रेंड, बनेगा हमारे साथ इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बिना कहीं स्किप किए चले जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल। लेकिन उसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलेगा, ताकि सरकारी वैकेंसी संबंधित सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, कोई भी अपडेट आपसे
मिस नो पाए। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए ऑडिशन नेम की, तो यहाँ पर राजकोट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी उन्हें दी जा रही है। जहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए पोस्ट नेम के बारे में, तो यहाँ पर क्लर्क एवं स्वीपर के पदों पर भर्ती होगी। जहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पर लगभग 663 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए अप्लाई मोड रहेगा ऑनलाइन का। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको राजकोट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका ऑनलाइन आवेदन करने का वीडियो बनाऊँ, तो मैंने पर 100 लाइक का टारगेट रखा है। अगर आप लोग ये पूरा करते तो मैं इसका ऑनलाइन आवेदन करने का वीडियो बना दूंगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए जॉब लोकेशन के बारे में, तो यहाँ पर राजकोट का रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया की कर अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए कोई भी अप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आपकी उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होगी तो आप इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे। वहीं एज में छूट की बात की जाए तो एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर SC/ST के लिए 5 वर्ष की तथा OBC के लिए 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर 8वीं 10वीं 12वीं पास वाले इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए आपके सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है 19,500 रुपये से लेकर 46,800 रुपये पर मंथ की। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए सभी राज्यों से आवेदन हो पाएंगे। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते होंगे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में इस वैकेंसी के लिए मेल एवं फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए अगर आप लोग आवेदन करना चाहेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज का फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट अनिवार्य रहेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इस वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो यहाँ पर स्टार्टिंग अप्लाई करने की 17 जनवरी 2021, वहीं लास्ट अप्लाई करने की 9 फरवरी 2021। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको राजकोट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ में आपको यहाँ पर 17 जनवरी 2021 से लेकर 9 फरवरी 2021 के पहले इसका आवेदन करना होगा। सो फ्रेंड्स काफी वैकेंसी है, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग केवल और केवल 8वीं 10वीं 12वीं पास हैं और आप भी बेरोजगार हैं, आप भी 2021 में एक अच्छी सी पोस्ट पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई कर लें। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना मत भूले। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना न भूलेगा, ताकि सरकारी वैकेंसी से संबंधित सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना पाए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।